everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is urge fitting reaction. नहीं, तो urge fitting reaction ये भी एक name reaction है? नहीं, तो इसको पढ़ेंगे कि urge fitting reactions क्या होता है और फिर इसका mechanisms क्या होता है, दोनों बात पे discuss करेंगे. urge fitting reactions कुछ similar है किसके जैसा? कह सकते हो urge reactions के जैसा, process similar है. reaction similar नहीं है, process similar है. इस प्रकार से वहां पर रिएक्शंस लिखे थे, जिस प्रकार से वहां पर मैकेनिज्म्स किए थे, सेम उसी प्रकार से यहां पे होगा. तो अगर वहां वाला याद नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम अच्छे से बताएंगे, देख लीजिएगा. सबसे फर्स्ट हम उर्ज फिटिंग रिएक्शंस का हम बात करते हैं, स्टेटमेंट का या तो फिर कह सकते हो उसका डेफिनेशन का. तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए. हेलो एलकेंस, हेलो एलकेंस एंड हेलो एलियंस, हेलो एलियंस ऑन रिएक्शंस विथ, ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इथर सॉल्वेंट, इथर सॉल्वेंट गिव अल्काइल बेंजीन, गिव अल्काइल बेंजीन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन. तो देखिए हम जो कुछ लिखे उसको आपको हम एक बार बोलते हैं, अच्छे से सुनिएगा. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी किसके प्रेजेंस में? इथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्काइल बेंजीन. और ये जो पूरा रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन. क्या बोलेंगे? उर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे. तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि रिएक्शंस को लिखते हैं. सबसे फर्स्ट आप एक हेलो एल्केन्स ले लीजिए और एक हेलो एरिन्स ले लीजिए, हम जनरल बात करते हैं, जनरल फॉर्म में. तो देखिए ये हो गया आपका एक हेलो एरिन्स. क्या हो गया? हेलो एरिन्स हो गया. ये एक्स जो है इसके जगह पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो मन करे सो लगा देना. जब इसको हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स क्या है, कोई भी आरएक्स ले लो, हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स को जब हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, वो भी किसके प्रेजेंस में? इथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, इथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका एल्काइल बेंजीन. क्या बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा? एक मिनट हो गया ना, इसको मिटा देते हैं, अच्छा सा नहीं बना. आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन बनेगा, R प्लस टू एन ए एक्स बनेगा. नहीं, फिर से देखिए, ये है आपका हेलो एरिन्स और ये है आपका हेलो एल्केन्स. ठीक, जब हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स को हम सोडियम मेटल के साथ क्या करा रहे हैं? रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथर सॉल्वेंट. तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्काइल बेंजीन. इसका नाम क्या है? अल्काइल बेंजीन. और प्लस टू एन एक्स बनेगा, तो उसमें मेरा मुद्दा नहीं है. तो ये हुआ आपका रिएक्शन किसका? उर्ज फिटिंग रिएक्शन का. अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं. अगर आपको उर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम होगा तो सेम उसी प्रकार से होगा. मैकेनिज्म देखते हैं. एक बार हेलो एरिन्स को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे और एक बार हेलो एल्केन्स को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे. तो सबसे फर्स्ट हेलो एरिन्स को रिएक्ट कराते हैं. हेलो एरिन्स यही है ना, यहां पे एक्स लगा हुआ है. और इसको जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम के पास एन ए फ्री रेडिकल है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर ये बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ये एक्स अपना इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और यहां पर जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और एन ए का फ्री रेडिकल इधर आएगा.
मींस होगा क्या कि यहां फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और NaX एक कंपाउंड बना लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे देखिए, यहां पे फ्री रेडिकल और यहां बन जाएगा आपका Na और X मिलकर के एक कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो ये स्टेप समझ में आया। अब क्या करते हैं कि हेलो एल्केन्स को एक बार सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो RX है इसको जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे मींस NF फ्री रेडिकल के साथ, तो होगा क्या कि जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो X अपना इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और R जो है अपना इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और ये सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मींस यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन और NaX एक कंपाउंड बना लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा R फ्री रेडिकल प्लस NaX, ठीक है। यहां पे समझ में आया कि R फ्री रेडिकल प्लस NaX। अब क्या करेंगे कि यहां पे जो प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल बना है और यहां पे जो प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल बना है, ये दोनों कंपाउंड को हम क्या करेंगे रिएक्ट कराएंगे। सो इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे, मींस दोनों फ्री रेडिकल वाले को, इस ये वाले को और एक ये वाले को। सो इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सो देखिए यहां फ्री रेडिकल है और R फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल इधर अटैक करेगा और इसका फ्री रेडिकल इधर अटैक करेगा, मींस दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेगा और कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा अल्काइल बेंजीन का, जो कि हमको क्या चाहिए था, यहां R लग जाएगा, यही ना है अल्काइल बेंजीन। सो हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया अल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। हम कुछ नहीं किए, एक बार हेलो एलियंस को Na के साथ रिएक्ट कराए, एक बार हेलो एल्केन्स को Na के साथ रिएक्ट कराए, दोनों के केस में जो फ्री रेडिकल मिला उस फ्री रेडिकल को फिर क्या किए हम कि आपस में रिएक्ट कराए, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहां पे R लग गया और इसी कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। तो यही था स्टेटमेंट, पढ़ के देख लीजिए कि जब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलियंस को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, नहीं इन द जब रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथर सॉल्वेंट, तो हमको क्या मिलेगा अल्काइल बेंजीन, और फाइनली आपको अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में डायरेक्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो पॉज करके नोट कर लीजिए और एक बार खुद से बनाइए, समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए।